हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुए चौथे ट्वेंटी के बारे में बात करेंगे। वेस्ट इंडीज और इंडिया में से किसका बोलिंग अटैक ज्यादा घातक है, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत ने अपने बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों के सधे हुए प्रदर्शन से वेस्टइंडीज को चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में शनिवार को एक तरफा अंदाज में 59 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अपराजेय बढ़त बना ली। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 191 रन का मजबूत स्कोर बनाने के बाद वेस्टइंडीज को 19.1 ओवर में 132 पर रोक दिया। भारत की तरफ से आवेश खान, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह 12 रन पर 3 विकेट लेकर सबसे सफल रहे। विंडीज की तरफ से कप्तान निकोलस पूरन और रोवमन पॉवेल ने 24-24 रन बनाए। इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत ने तेज शुरुआत करते हुए 4.4 ओवर में ही 53 रन ठोक डाले। कप्तान रोहित शर्मा ने मात्र 16 गेंदों पर 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 33 रन की आतिशी पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 24 रन बनाए। दीपक हुड्डा ने 21 और ऋषभ पंत ने 31 गेंदों में 6 चौकों के सहारे 44 रन, संजू सैमसन ने 23 गेंदों में नाबाद 30 और अक्षर पटेल ने 8 गेंदों में 2 छक्कों के सहारे नाबाद 20 रन बनाए। केवल दिनेश कार्तिक 6 रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज की तरफ से उबेद मकाय और अलजारी जोसेफ ने 2-2 विकेट लिए।